डियर स्टूडेंट, समर ट्रेनिंग बिना पैसे के कैसे करें? क्या इसमें कुछ पैसे लगते हैं? कितने पैसे आपको कितने चार्ज देने पड़ते हैं? इसके बावजूद समर ट्रेनिंग ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें? और कुछ रिपोर्ट फाइल को लेकर के जानकारियां हैं, सभी जानकारियां ध्यान से समझिएगा, सभी चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिएगा। इससे पहले अगर आपने पिछला वीडियो इसका नहीं देखा है, समर ट्रेनिंग क्यों आवश्यक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। समर ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं तो समर ट्रेनिंग रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपको उस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समर ट्रेनिंग कैसे बिना पैसे के करें, या फिर पैसे अगर लगते हैं तो कितने चार्जेस लगते हैं, ऑफलाइन करें या फिर ऑनलाइन करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑनलाइन और ऑफलाइन पे कि क्या आप ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, मतलब समर ट्रेनिंग तो आप करेंगे तो ऑनलाइन तरीके से करें या फिर ऑफलाइन तरीके से करें। देखिए, समर ट्रेनिंग ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोविड की महामारी चल रही थी, उस वक्त सारी चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी। अगर उस वक्त आप ऑफलाइन करके सर्टिफिकेट दे रहे थे तो वो मान्य नहीं हो रहा था, तो ऑनलाइन हुआ था उस वक्त, ठीक है। अभी फिलहाल की बात करें तो सारी चीज़ें ऑफलाइन चल रही हैं, तो अभी आपको ऑफलाइन करना होगा। लेकिन इसमें भी एक रूल होता है, जैसे कॉलेज वाले होते हैं वो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कह रहे हैं, किस तरीके से मैनेज करा रहे हैं। हो सकता है कई कॉलेज वाले ऑनलाइन कराते हैं तो अगर आप वहाँ पर ऑफलाइन करके ले जाएंगे सर्टिफिकेट तो वो मान्य नहीं होगा। कई जगह क्या होता है, ऑफलाइन कराया जाता है तो वहाँ पर अगर आप ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट ले जाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। तो ये एक बार अपने कॉलेज से भी कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि सर ऑफलाइन करें या फिर ऑनलाइन करें। लेकिन इस बात से मतलब ज़्यादातर उम्मीद यही है 99% कि ऑफलाइन ही आपका मान्य होगा, इसलिए कि कोविड की महामारी है नहीं, सारी चीज़ें मैनेज हो गई हैं। उसके बाद रिपोर्ट फाइल के बारे में बात कर लेते हैं। रिपोर्ट फाइल क्या होती है, उसके बाद से हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बारे में, बिना पैसे या फिर पैसे के बारे में कहाँ से आपको करना है, कैसे करना है। रिपोर्ट फाइल यानी प्रोजेक्ट फाइल, जो भी आप ट्रेनिंग वगैरह करते हैं उसके उससे रिलेटेड एक फाइल बनाई जाती है। और इसके लिए देखिए, फाइल तो आपकी बनती है, इसमें आपके कॉलेज में सेशनल मार्क्स पे काफ़ी डिपेंड करता है। अगर आपने रिपोर्ट फाइल प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाई है या फिर ट्रेनिंग नहीं की है तो आपके सेशनल मार्क्स या फिर कह लीजिए कि इंटरनल बैक लगा दिया जाता है, ठीक है। इंटरनल अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में है तो उसमें इंटरनल बैक लगा दिया जाए आपका। हालांकि कॉलेज वाले कुछ चीज़ें मैनेज कर लेते हैं कि हाँ बच्चे की कुछ प्रॉब्लम हुई होगी इसलिए नहीं कर पाया होगा ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको करना तो है ही अगर आप फोर्थ सेमेस्टर पास आउट हो गए हैं, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर पास हो गए हैं और फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन के पहले, तो आपको करना है ही। रिपोर्ट फाइल वगैरह, प्रोजेक्ट फाइल भी सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। जिस हिसाब से आप ट्रेनिंग करेंगे उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ, इंट्रोडक्शन वगैरह, बेसिक सी चीज़ें रहती हैं, तो मैं तो आपको बाद में बता दूंगा किस तरीके से तैयार करना है। सारी चीज़ें मैं फाइल भी आपको दिखा दूंगा, टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, देख लेंगे आप किस तरीके से फाइल वगैरह बनाई जाती है, सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। हाँ, इसमें आपके लगभग 50 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी 50 नंबर दिए जाते हैं, और सेशनल में भी इसका काफ़ी योगदान रहता है। अगर आप नहीं करेंगे तो सेशनल वगैरह इंटरनल, अभी मैंने कहा कि बैक लगा दिया जाता है, उसके बाद से इंटरनल सेशनल में काफ़ी अंक काटे जाते हैं, समझिए कि आपका एक तरीके से इंटरनल बैक लगा दिया जाता है। तो रिपोर्ट फाइल को भी तैयार करना है, आपको करना तो है ही ट्रेनिंग। उसके बावजूद यहाँ पे देखिए, जो आपका पैसे के बारे में है, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर क्या कोई ऐसा तरीका है जैसे कि पैसा ना लगे। एक बात आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है, आप डिप्लोमा वगैरह की बात छोड़ दीजिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हमें काम चाहिए, हमें काम करना है। अगर आप एक महीना काम करेंगे तो वो क्या करेंगे आपको, वो आपको उसकी सैलरी देंगे 5,000-10,000 जितना उनके ऊपर होगा, हाँ कि उनकी सैलरी 5,000 रुपये देंगे या फिर 10,000 या फिर 8,000 वैसे सैलरी देंगे। अगर आप यही लेकर के जाएंगे, जैसे कि आप अपने कॉलेज से लेकर के जाएंगे, एक फॉर्म मिलता है, सिग्नेचर वगैरह मोहर वगैरह लगी रहती है कि आपको हाँ सर मुझे ट्रेनिंग करना है, क्या आप करा सकते हैं, तो इसमें क्या होती है, इसमें कंपनी वालों की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आपकी ज़रूरत, आपके ऊपर ज़रूरत आ जाती है। तो कंपनी वाले भी सोचते हैं कि हाँ आया है तो कुछ पैसे वगैरह ले लिए जाए, तो कुछ पैसे वगैरह आपसे मांग लिए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेज में यही होता है कि अब आप समर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फ्री में भी करा दिया जाता है। हाँ, कुछ जैसे प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं तो वो पैसे के लिए कराती हैं, लेकिन पैसे के लिए कराती तो हैं लेकिन वो सिखाती भी बहुत ज़्यादा है, मतलब सिखाती भी अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में गए, कोई बढ़िया टॉप लेवल की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, तो आपको खूब बढ़िया से सिखाएगी, लेकिन उसका पैसा भी लेगी कि हाँ आपको नॉलेज, समझिए कि एक महीना एकदम फुल ट्रेनिंग देगी आपको, तो वहाँ पर तो पैसा लग सकता है। लेकिन अगर आप कई जगह ऐसे जाएंगे या फिर किसी परिचित के या फिर सीनियर के थ्रू जाएंगे तो वहाँ पर आपके पैसे नहीं लगते हैं, आप डायरेक्ट जाएंगे कि हाँ ये मेरे कॉलेज से आया है, इसके लिए मुझे समर ट्रेनिंग करनी है, तो आप डायरेक्ट जाकर के वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। बस आपको रहने खाने की थोड़ी सी दुविधा होगी और सारी चीज़ें, पैसे वगैरह कुछ नहीं लगेंगे। जैसे कि जैसे मेरे सीनियर वर्क हम लोगों ने जब किया, पहले की बात है, तो वगैरह पैसे वगैरह कुछ नहीं लगे थे। कुछ कंपनियाँ हो सकता है कहीं कहीं प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर में कुछ मांगी जा सकती है, मांग लेते हैं, लेकिन वो अच्छे से सिखाते हैं कुछ अपने, जैसे उनको जो सामान वगैरह वस्तु की नुकसान होती है, जैसे मान लीजिए कि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, बिल्डिंग वाले चीज़ों में चले गए या फिर कुछ और चीज़ों में चले गए, तो वहाँ पर बिल्डिंग करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें नुकसान होगी, आपको बिल्डिंग करके सिखाया तो जाएगा लेकिन बिल्डिंग के लिए जो वायर वगैरह वो जो चीज़ें लगती हैं, गलाई जाती हैं, तो उसके लिए आपसे पैसा मांगा जा सकता है, वही पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर यही होता है, कई जगहों पर आपसे थोड़े काम कराएंगे, मतलब कुछ चीज़ें काम कराएंगे, उसी के साथ सिखाते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, लेकिन पैसे वगैरह नहीं लगेंगे। और आप अपने परिचित के थ्रू जाएंगे, जैसे आपके फादर वगैरह हो गए, अंकल वगैरह, या फिर आपके गांव वगैरह के, या फिर आपके सीनियर हो गए, सुपर सीनियर हो गए, उनके थ्रू जाएंगे, उनसे बात करते रहेंगे, कॉन्टैक्ट करते रहेंगे, उनके थ्रू जाएंगे, उनके वहाँ पर वो जहाँ पर काम करते हों, पास आउट हो गए हैं, उनके थ्रू जाएंगे, तो वहाँ पर कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। और ज़्यादातर यही होता है कि पैसा नहीं देना पड़ता है, आप कॉलेज से सारी चीज़ें ले जाएंगे, कॉलेज का मुहर सिग्नेचर वगैरह, इंडस्ट्रियल ऑफिसर का सिग्नेचर भी रहता है कॉलेज के जो टीचर होते हैं, तो वहाँ पर आपके पैसे वगैरह नहीं लगते हैं। बहुत कम चांस आता है प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो टॉप लेवल की कंपनियां होती हैं वो पैसे मांग लेती हैं। काफ़ी सारे के बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, डाउट्स थे सर बिना पैसे के कैसे करें, तो आप बिना पैसे के भी कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी भी कंपनी से। कुछ ही कंपनियां होंगी जो पैसे वगैरह लेती हैं, लेकिन कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो फ्री में आप केवल जाएंगे, वहां पे काम करेंगे, देखते रहेंगे, इसलिए उनका भी, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं वहां पे काम कर रहे हैं तो उनको भी फायदा होगा कि हाँ बच्चा कुछ काम कर रहा है, कुछ सीखेंगे भी आप और कुछ काम भी करेंगे तो उनको भी फायदा होगा। तो पैसा किस लिए लेंगे, पैसा आपसे नहीं लेंगे जाहिर सी बात है, लेकिन जो कंपनियां आपको सिखाएंगी, केवल सिखाने के तौर के लिए बुलाएंगी, सिखाने के लिए बुलाएंगी, तो वो तो पैसा लेंगे ही, जैसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो गई। लेकिन अदरवाइज अगर आप कहीं जाते हैं तो पैसा वगैरह नहीं लगेंगे, कुछ पैसे वगैरह नहीं लगेंगे, आप आराम से जाकर के कहीं भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और टेलीग्राम पे ज्वाइन रहेंगे। अगर आप भी बीटीपी बोर्ड यानी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो हर एक प्रकार के ऑफिशियल अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ बुक पीडीएफ, हर चीज़ के लिए बुक पीडीएफ या फिर एजुकेशनल अपडेट्स कर दीजिए, सभी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।